ABC24 देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इन दिनों बिहार की महागठबंधन की सरकार नियुक्ति पत्र बांट रही है, जिसको लेकर बिहार की सियासी पारा जो है वो गर्म हो चुका है। तो वहीं लगातार विपक्ष जो है बिहार की महागठबंधन की सरकार पर हमलावर है। तो वहीं विपक्ष यह कहते हुए नजर आ रहा है कि जो नौकरियां दी जा रही है वह फर्जी नौकरियां हैं। तो वहीं पहले ही यह बहाली हो चुकी है, जिसको बस दिखाने के लिए नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव नियुक्ति पत्र बांट रहे हैं। तो बता दें आपको कि बिहार में इन दिनों बहाली पर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। सरकार एक तरफ नियुक्ति पत्र बांटकर वाहवाही बटोर रही है, तो दूसरी तरफ भाजपा का आरोप है कि महागठबंधन की सरकार सरकारी नौकरी के नाम पर रीपैकेजिंग कर रही है। बता दें आपको कि राज्य सरकार बहाली के नाम पर खूब वाहवाही बटोर रही है। वहीं उधर भाजपा जो है दस्तावेजों के हवाले से जो है कह रही है कि बहाली के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रीपैकेजिंग कर रहे हैं। पहले बहाल सरकारी सेवकों को दूसरी बार नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, यह सब राजग टूट और सरकार के साथ राजद के जुड़ जाने के बाद हो रहा है। इसी क्रम में बता दे आपको कि लगातार यह क्रमवय बना हुआ है। वहीं जिस दिन मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटेंगे शाम तक भाजपा वाले फर्जी बता देते हैं। तो वहीं बता दे आपको कि लगातार वादा करने के बाद भी भाजपा की सरकार बेरोजगारों को नौकरी नहीं दे रही है, लेकिन महागठबंधन की सरकार दे रही है, तो भाजपा बौखला गई है, यह भी बातें सामने निकल के आ रहा है। तो वहीं बता दे आपको कि जो सच की अभी लगातार बातें नहीं हो पा रही है, लेकिन देखा जाए तो बहालियों की प्रक्रिया राजद सरकार के समय हुई थी, लेकिन देखा जाए तो इनमें से कुछ विभागों में उसी समय नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, लेकिन देखा जाए तो नए बहाल कर्मचारी जो है प्रशिक्षण लेकर कार्यस्थल पर तैनात भी हो गए थे। हालांकि हर मामले में ऐसा नहीं है, वैसे राज्य में कोई भी नियुक्ति निर्धारित समय पर पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन देखा जाए तो सरकारी एजेंसियों के द्वारा जो है बहाली की प्रक्रिया पूरी करती है। तो वहीं देखा जाए तो परिणाम घोषित होने से पहले या परिणाम घोषित होने के बाद मामला हाईकोर्ट में पहुंच जाता है। वहीं अभी जिन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है उनकी जो कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रक्रिया पहले से चल रही थी, सितंबर से जो है बढ़ रहे नियुक्ति पत्र। देखा जाए तो राज्य में महागठबंधन की वर्तमान में सरकार है, और जिसके बाद 10 अगस्त को महागठबंधन की सरकार का गठन हुआ था। वहीं 6 सितंबर को जो अनुसूचित जाति जनजाति विभाग में 62 लिपिकों को नियुक्ति पत्र दिया गया था, तो वहीं देखा जाए तो 20 सितंबर को 4,325 राजस्व कर्मचारियों को मुख्यमंत्री के हाथों नियुक्ति पत्र दिया गया था। तो वहीं देखा जाए तो नीतीश कुमार ने जो है भाजपा कोटे से राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कहा था कि 4,325 राजस्व कर्मचारियों को अगस्त के पहले सप्ताह में नौकरी दे दी गई थी। तो वहीं उन्हें जिला की जो आवंटित जो है कहीं ना कहीं आवंटन कर दिया गया था। तो वहीं 27 सितंबर को 283 पशु चिकित्सक को नियुक्ति किया गया था। तो वहीं मुख्यमंत्री ने 3 नवंबर को 183 उर्दू अनुवादकों और 9 नवंबर को विज्ञापन एवं प्रौद्योगिकी विभाग में विभिन्न पदों के लिए 425 लोगों को नियुक्ति पत्र दिया था। तो वहीं 14 नवंबर को जल संसाधन विभाग में 1,000 से अधिक कर्मचारी बहाल हुए थे। 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र देने के लिए गांधी मैदान में जो है 17 नवंबर को यानी कि परसों ऐसा मेगा शो का आयोजन हुआ था। तो वहीं विधानसभा में विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि मुख्यमंत्री ने जिन 10,000 से अधिक पुलिस कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया है वे सभी पहले से काम कर रहे हैं, कर्मियों को नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो वहीं नियुक्ति नहीं प्रतिनियुक्ति पत्र दिया जा रहा है, ऐसा विजय कुमार सिन्हा का कहना है। विजय कुमार सिन्हा लगातार हमलावर दिखते हैं। देखिए बिहार के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, जिस तरीके से एनडीए टूटा है उसके बाद नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा को बनाया गया, और विजय कुमार सिन्हा बिहार की महागठबंधन की सरकार पर लगातार हमलावर दिखते हैं। तो वहीं जो प्रतिनियुक्ति पत्र है वो दिया जा रहा है, विजय कुमार सिन्हा का कहना है। बता दें आपको शारीरिक दक्षता परीक्षा इस साल फरवरी से अप्रैल के बीच हुई है। तो वहीं राजद सरकार के समय ही सभी पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया था, लेकिन राजद का जवाब क्या होगा कहीं ना कहीं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन लगातार राजद भी कह रही है कि बिहार सरकार जो है नौकरी दे रहा है, लगातार हमारी जो सरकार है वो युवाओं को रोजगार दे रहा है। तो वहीं तेजस्वी यादव ने कहा है कि 3 महीना में तो हम लोग 1,00,000 तक नौकरी दे दिए हैं और लगातार नौकरी देंगे, केंद्र सरकार का नौकरी कहां गया, यह भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। तो वहीं तमाम बातें आपको हमने बताई है। बीजेपी का लगातार यह हमला आ रहा है होते कि जिस तरीके से पहले नियुक्तियां की गई थी उसी को बस दिखाया जा रहा है महागठबंधन की सरकार में। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, और भी तमाम खबरों के लिए NBC24 के साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।